सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम टू माई चैनल। तो दोस्तों, आप जो मोबाइल की स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ओवरहेड मोबाइल स्टैंड मैंने बाय किया फ्लिपकार्ट से, तो उसके मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनबॉक्सिंग करने के लिए मैं यहाँ पे नाइफ इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं पहले स्टैंड का जो रैपिंग है उसको मैं कट कर लूँगा, देखिए। और ये मुझे फ्लिपकार्ट से 600 रुपीस में पड़ा है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप इजीली बाय कर पाओगे। इसका पैकिंग तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, देखिए आप। अभी अनबॉक्सिंग करूंगा मैं। ऐसे ही दो तीन रैपर इसमें इस्तेमाल किया गया है, प्रोडक्ट को कोई नुकसान नहीं पहुँचे इसलिए। देखने में तो बहुत ही प्यारा लग रहा है स्टैंड। मैं फुल प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे कैसे मैं सेटअप किया हूँ, देखिए। पहले मोबाइल को पकड़ने वाला जो होल्डर होता है वो निकला है, और नीचे जो स्टैंड का जो पकड़ने वाला होल्डर है वो है। और अभी एक बड़ा सा एक आर्म्स निकला है, देखिए। इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, फुल्ली मेटल का है, देखिए आप। इसका स्प्रिंग भी बहुत ही बढ़िया है। तो जो स्टैंड का नीचे वाला पोर्शन है जो उसको टेबल के साथ जोड़ने में काम लगता है, नीचे बहुत ही खूबसूरत सा एक पैच सिस्टम दिया है जो बहुत ही मजबूती से उसको पकड़ के रखेगा टेबल को। और ये मोबाइल होल्डर है, इसको पहले ऐसे खोल लेते हैं, देखिए आप। ये बहुत ही प्यारा है, मतलब जैसी भी चाहो आप इसको मूवमेंट कर सकते हो। इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। इसको अब ऐसे ही इसके अंदर से घुसाना पड़ेगा, देखिए। फिर पीछे से एक नट बोल्ट जैसा है, स्क्रू जैसा, वहाँ पे आपको बस थोड़ा सा कस देना है, टाइट हो जाएगा वहाँ पे बस। फिर हम आप टॉप पे आ गए हैं, देखिए। यहाँ पे एक प्योर स्टील का एक लगा हुआ है 360 डिग्री का एंगल वाला, आपको फ़ोन को रोटेट करेगा चारों ओर, देखिए। आप वहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, आपको नीचे रहेगा तो आपको टाइट कर देना पड़ेगा। जब आपको मोबाइल होल्डर सेट करना है तो ऐसे आपको पहले नट बोल्ट जैसा उसको अंदर डालना होगा, उसके बाद इसको थोड़ा सा प्रेस करके ज़ोर से इसको घुसा देना पड़ेगा। फिर इसको पैच को थोड़ा सा इसमें ऐसे लगा देना पड़ेगा, पैच सिस्टम है, देखिए। थोड़ा कस देना पड़ेगा इसको, हाँ। बस आपका रेडी हो गया, आपका फुल्ली रोटेट होगा चारों ओर जैसे आप चाहोगे, और नीचे कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो। बस आपको जहाँ पे आपको करना है ऊपर तो उसको थोड़ा सा कस देना है। इसमें आप मोबाइल और टैबलेट भी आसानी से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, और ये हिलेगा भी नहीं। पहले मैं छोटा सा टेबल में दिखा रहा हूँ कैसे आपको सेट करना है, देखिए आप। बस आपको ऐसे ही इसको घुसा देना है अंदर, देखिए। घुसाने के बाद आपको एडजस्ट करके टाइट कर देना है, जो पूरा स्टील का बना हुआ है। बहुत ही आसानी से टाइट भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, आप इजीली इसको सेटअप कर सकते हो, देखिए। आपको थोड़ा कस देना होगा जैसे कि हिले ना वो,
बस आपका रेडी हो जाएगा स्टैंड ओवरहेड वाला। इसका बिल्ड क्वालिटी मुझको बहुत ही अच्छा लगा। आप जैसे चाहो उसको रोटेट कर सकते हो, मूवमेंट भी कर सकते हो। अगर ऊपर चाहिए तो ऊपर कर सकते हो, नीचे चाहिए नीचे भी कर सकते हो आप। बहुत ही प्यारा है, देखिए यहाँ से बहुत ही मजबूती से इसको पकड़ बनाया हुआ है, ये हिलेगा भी नहीं। इसका स्प्रिंग भी बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिए। अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और पहले मैं किस चीज़ से मैं पहले शूट करता था अपना वीडियो मैं दिखाऊंगा अभी आपको। प्लीज़ हंसना मत इसमें, मैं खुद बनाया हूँ उसको। ये रहा मेरा स्टैंड, मैं अपने हाथों से बनाया हूँ, वैसे लकड़ी का है। उस लकड़ी को मैं विंडो में फिट कर दिया हूँ, देखिए आप। और एक रस्सी से बांध के ऐसे टांग दिया है इसको, बस ये ऐसे ही दिखने में लग रहा है दोनों कील साइड में लगा के। और मैं मोबाइल को ऐसे ही ऊपर ही रख देता था, देखिए आप। सब मैं ऐसे ही शूट किया हूँ वीडियो। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।